नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी की मुख्य सेविका की तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपके लिए आज लेकर आई हूं क्योंकि आप में से कई लोगों का लगातार मैसेज या फिर फोन आ चुका है कि मैम मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, इस बात की जानकारी कैसे पता चलेगी। आप सभी लोग मुझसे बोल रहे हैं मैम आप पास में रहती हैं तो आप जाके प्लीज आयोग से पता करके आ जाइए कि हमारा फॉर्म अगर रिजेक्ट हो गया तो हमें कैसे पता चलेगा, किस वजह से रिजेक्ट हुआ है। कई लोग मुझे अलग अलग सी बातें बता रहे हैं। कोई बता रहा है मैम मैंने लगता है अपने मार्क्स गलत डाल दिए हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ। तो पहले देखिए दोस्तों, ये जो न्यूज़ आपको मिली है 30,000 फॉर्म हुए रिजेक्ट, आपको एक न्यूज़ पेपर की कटिंग दिख रही है। वो न्यूज़ पेपर की कटिंग कहाँ से आई है मुझे भी नहीं पता, आपको पता होगी। हो सकता हो कि आप ही लोग न जाने कितने चैनल्स पे घूम घूम के चीज़ों को देखते रहते हैं। क्या बाकी लोग परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे अगर जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है? उसके अलावा लोग क्या बैठ पाएंगे परीक्षा में? और अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, सच्चाई क्या है इस पूरे मामले की, आपको क्या करना है और कुल कितने फॉर्म पड़े हैं, ये तो आप लोग लगातार पूछते हैं। शॉर्टलिस्टिंग कब तक होगी, इन सब चीज़ों के पीछे आप लोग लगातार क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में इन्हीं सब बारों में बात होगी। सबसे पहली बात दोस्तों मैं बताना चाहूँगी आपको, देखिए दोस्तों, न्यूज़पेपर की कटिंग आती है किसी भी ऑफिशियल नोटिस के लिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई भर्ती निकलने वाली, कोई आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आने वाला है, तो मैं मान सकती हूँ न्यूज़पेपर में एक बार निकल आता है कि ये लेखपाल की भर्ती इस बार होने वाली है, वो आपको न्यूज़पेपर पता चल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि 30,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए, तो पहले आपको ये दोस्तों करना है, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ इसी के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, आपको उसी संस्था की ऑफिशियल साइट पे जाना है। जैसे आपका मुख्य सेविका UP SSSC करा रही है, आपने जैसे ही खबर पढ़ी कि 30,000 फॉर्म रिजेक्ट हुए, तो आप सिर्फ उस बात को मत मानिए, मेरी बात ही मत मानिए, सीधे साइट खोलिए। क्या साइट है? UP SSSC.NIC.IN। या आप सीधे UP SSSC भी डाल देंगे ना गूगल पे, आपको ऑटोमेटिकली जो साइट खुलेगी वो UP SSSC की ऑफिशियल साइट होगी। वहाँ जाइए, वहाँ देखिए क्या कोई ऐसा नोटिस पड़ा है जो मुख्य सेविका से संबंधित हो फॉर्म रिजेक्शन का। क्योंकि अगर इतने ज़्यादा लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा, एक भी बच्चे का कुछ होता है ना गड़बड़, तो आप देखते तुरंत वो नोटिस में आ जाता है। एक बच्चा टाइपिंग नहीं देता है, एक बच्चे का किसी वजह से फर्जी चीज़ हो जाती है, वो सब एक एक चीज़ का अपडेशन ऑफिशियल साइट पर तुरंत आता है। तो आपको दोस्तों किसी की भी बात में बिलीव नहीं करना है। जैसे ऐसी कोई खबर आपको मिले, आज ही नहीं बता रही हूँ, आगे भी किसी परीक्षा के लिए बात कर रहे हो, आप तुरंत उसकी ऑफिशियल साइट चेक कर लीजिए। इधर उधर घूम घूम के सबके चैनल पे मत देखिए, बस तुरंत ऑफिशियल साइट पे जाइए, चेक करिए क्या वो खबर सही है। अगर सही है तो आपको पता ही चल जाएगा, अगर फेक है तो भी पता चल जाएगा। क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर कटिंग डालना एक चैनल्स के लिए बहुत आसान हो गया है। न्यूज़पेपर की कटिंग डालो और बातें बताओ, न्यूज़पेपर की कटिंग न जाने कहाँ से एडिट भी हो जा रही हैं। न्यूज़पेपर में नो डाउट चीज़ें पता चलती हैं, कई बार इन्फॉर्मेशन चीज़ें अच्छी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन ये जो खबर है दोस्तों 30,000 फॉर्म रिजेक्ट हुए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और बिल्कुल ही, क्योंकि वहाँ कुछ भी साइट पे ऐसा नहीं आया है। आप में से बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, कल मैं लाइव क्लास भी ले रही थी, तब भी कई लोग पूछ रहे थे मैम मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा, क्या कैसे पता चले। तो आप लोगों में से किसी का अगर ऑफिशियल नोटिस नहीं आया तो किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। सब लोग जो है तैयारी कर रहे हो वैसे ही करते रहिए, कोई भी फॉर्म रिजेक्शन की बात अभी नहीं हो रही है। आगे बात करते हैं, कई लोग आप में से पूछ रहे हो कि मैम मैंने नंबर अपने गलत डाल दिए, मेरे 10th में इतने मार्क्स थे, मैंने देखा कि मैंने उसको गलत डाल दिया है। अब आपने डाल दिया है, पहली बात तो फॉर्म भरते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान से भरा करिए। फॉर्म भरना हो या एग्जाम में OMR भरनी हो, दोनों में बहुत ध्यान दिया करिए, उन्हीं दोनों से बाद में आपकी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। अब आपने अगर फॉर्म गलत भी कर दिया होता है ना दोस्तों, मान लीजिए कैटेगरी तक अगर गलत कर दी, जनरल की जगह आपने SC टिक कर दिया और आप हैं जनरल कैटेगरी के, तो भी दोस्तों दिक्कत अभी नहीं होगी। अभी आपको SC के हिसाब से रिजर्वेशन दे देकर फाइनल तक आप पहुंच जाएंगे। दिक्कत कब होगी? इन सभी चीज़ों से दिक्कत होती है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ DV में। जब आप DV के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब वहाँ पे आपकी चीज़ें मैच की जाती हैं कि आपके मार्क्स कितने थे, आपने कितने लिखे हैं, आप किस कैटेगरी के थे और आपने क्या किया हुआ है, तब वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। उसके पहले तक आपको ये सोचना कि एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप कुछ भी किए हो, इतना आयोग के पास टाइम नहीं है कि वो बैठ के एक इंसान का पुराने पेड से या पुराने उससे चेक करे। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कई लोगों का जो ये जेन्युइन मिस्टेक, ये मिस्टेक अगर आपने की है, जैसे कि आपका पेट का आपको पता है रजिस्ट्रेशन नंबर 3121 कुछ भी था, ठीक है, और आपने क्या कर दिया, इसको गलत लिख दिया, ये लिख दिया, तो ये हो सकता है कि एक बार गलत माना है। क्यों? इस नाम का तो कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा, और लेकिन इस नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो कि आपने ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था उसको गलत लिख दिया है। लेकिन ये भी कोई चेक नहीं करता है, पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी क्यों नहीं चेक करता दोस्तों? आपने देखा होगा अभी लेखपाल का फॉर्म हुआ, सप्लाई इंस्पेक्टर का फॉर्म हुआ,
अब जो 2.5 लाख बच्चों की कट ऑफ निकाली उन्होंने, वो अपने हिसाब से उन्होंने निकाल ली होगी, उनके पास पूरा डेटा होगा कि इतने लोग के, इतने बच्चों के इसके ऊपर है, इतने बच्चों के इसके ऊपर, उनके पास पूरा डेटा होगा। उनको एक ही बच्चे का चेक नहीं करना है कि आपने फॉर्म डाला है तो चलो हम चेक करें, ये सब वो नहीं करते हैं। अभी वो लोग इतना अगर टाइम देने लग जाएँ कि एक एक लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करने लग जाएँ कि इनका, इन्होंने अच्छा फॉर्म भरा है ये नहीं, इनका नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अभी उनके पास पूरा डेटा अवेलेबल होगा, इतने बच्चे 60 से ऊपर हैं, इतने बच्चे 70 से ऊपर हैं। जब उनको एग्जाम कंडक्ट कराना होता है ऑटोमेटिकली कट ऑफ निकाल देते हैं, हमें 15 गुना के हिसाब से बुलाना है लोगों को, तो 60 के ऊपर अगर हम बुलाएंगे तो इतने लोग हमें मिल जाएंगे, बस वो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप लोगों के केस में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैं एनालिसिस कर पा रही हूँ कितने फॉर्म पड़े हैं, कि अगर बात करते हैं तो कोई नहीं बता पाएगा एग्जैक्टली कितने फॉर्म पड़े हैं, जब तक कि कोई ऑफिशियल अधिकारी जो वहाँ पे बैठा होगा फॉर्म का जो सबमिशन हो रहा है उसको देखना हो तो कोई जान नहीं पाएगा। मैं जो अंदाज लगा रही हूँ आपको बार बार बता रही हूँ उस चीज़ से, जैसे मैंने मेरे चैनल पे अगर आपने देखा होगा एक इंटरव्यू लिया है मैंने मुख्य सेविका मैम का, उनके इंटरव्यू को देख अभी तक लगभग 30-31 हज़ार लोग देख चुके हैं। तो मैं इससे अंदाज लगा रही हूँ कि क्योंकि मुख्य सेविका का इंटरव्यू कौन देखेगा, जिसने इसका फॉर्म भरा होगा, उसके अलावा तो कोई नहीं देखेगा। तो मुख्य सेविका के लगभग 40-45 हज़ार मुझे लगता है शायद फॉर्म भरे होंगे, उससे ज़्यादा तो मुझे लग नहीं रहा कि भरे गए होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा होते शायद तो और स्पीड में चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे कि पेट वगैरह में लोगों ने ज़्यादा फॉर्म भरा है तो उसके व्यूज़ हर चैनल पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसी की तरह से मुख्य सेविका में फॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं भरे, बहुत मान लीजिए तो मैं बता रही हूँ आपको 60 हज़ार भरे होंगे, ज़्यादा फॉर्म भर, सबसे ज़्यादा बता रही हूँ, मैक्सिमम अगर भरे होंगे तो इतने भरे होंगे। तो आप सभी लोग, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, बार बार बता रही हूँ, आप सभी लोग सेफ होंगे, इसलिए सेफ हो क्योंकि 2700 जो आपकी भर्ती है लगभग उसका 30 गुना निकालेंगे ना, लगभग 80 हज़ार आ जाएगा। 80 हज़ार अगर आता है तो उसमें आप सभी लोग जो भी अंक पाए हो सब सेफ जोन में हो। तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी मत हो आप लोग इस चीज़ से कि हमारा होगा कि नहीं होगा। कट ऑफ कितनी जाएगी, जितने लोगों के पॉजिटिव अंक होंगे उन सभी को एलिजिबल किया जाएगा, ठीक है, उन सभी को एलिजिबल किया होगा। क्लासेस देखिए इस चैनल पर डेली चल रही हैं, आपको दिख रही होंगी, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर डेली जो क्लासेस होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आपको डेली प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप क्लासेस से जुड़िए, रिकॉर्डेड क्लास देखिए, जो भी आपको करना है करिए, लेकिन बस पढ़ाई करिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता आपको किसी भी परीक्षा में अब मिलेगा। महिलाओं की खाली भर्ती है, वैकेंसी बहुत बढ़िया है, अच्छे संख्या है आपके पास, तो अगर आपने पेट एक्स दिया था बहुत अच्छा मौका है सरकारी नौकरी पाने का, अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई क्वेरी हो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, पूछिए, मैसेज पे पूछिए, जैसे पूछना है पूछिए, लेकिन बस आप लोग पढ़ाई करिए। बुक्स भी मैं बता चुकी हूँ, उसका भी एक लिंक अभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मैंने बता दिया कौन कौन सी बुक्स मार्केट में आ गई, जो अभी और आएंगी मैं आपको सब बताती रहूँगी, सबका रिव्यू बताती रहूँगी, बस आप दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। आपका जो काम है पढ़ाई करना उसको करते रहिए, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होइए, साथ ही साथ पेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी करते रहिए, उसको मैं नहीं कहूँगी बिल्कुल मत करके जाइए। आप लोगों का सेंटर दूर भी पड़ा है तब भी आप जाके एग्जाम ज़रूर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और भी कोई क्वेरी हो तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फॉर्म किसी के रिजेक्ट नहीं हुए हैं बिल्कुल परेशान मत होइए, अब तक ऑफिशियल साइट पर कुछ नहीं आता तो उसको मत माना करिए। चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।